जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ गया है लेकर एक और मैच। आज नया मैच, नई सीरीज, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज शुरू होने जा रहा है मोहाली से। पहले T20 की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस से लेके अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, प्लेइंग 11 दोनों टीमों की क्या हो सकती है पहले मैच में, उस पर जिक्र करेंगे कौन से खिलाड़ियों के लिए ये मौका है वर्ल्ड कप में अपना स्पॉट सील करने का, और क्या अपॉर्चुनिटीज, कितनी प्रैक्टिस भारत को मिल जाएगी T20 वर्ल्ड कप से पहले इस मैच के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू, वो सारी बातें चर्चा करेंगे हम। बस आपको क्या करना है, बस आपको ये करना है कि सबसे पहले तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, और ये कि चूंकि हम इस वीडियो में फैंटेसी टीम भी बनाने जा रहे हैं, तो अपडेटेड फैंटेसी टीम के लिए और जिन मैचेस की वीडियोस नहीं आती हैं उन मैचेस की टीम के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ज्वाइन करना मेरा टेलीग्राम चैनल। कैसे करना है, इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है वहां मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। इनकेस अगर लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तब क्या करें, तब ये करें कि सर्च करें क्रिकेटोलॉजी टेलीग्राम पर जाकर। ठीक है, टेलीग्राम पर जब आप क्रिकेटोलॉजी सर्च करेंगे आपको ढेरों चैनल दिखेंगे, उन ढेरों चैनल के ढेर में से आपको ये वाला चैनल ढूंढ के निकालना है जिसकी डिटेल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। क्या नाम है चैनल का? क्रिकेटोलॉजी। मेंबर और यूजर नेम दो चीज क्रॉस मैच कर लीजिएगा, मेंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मिलेंगे, लेकिन जो आपको यूजर नेम है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, यही रहेगा, तो इसी यूजर नेम से सर्च करके ज्वाइन करें। इसके अलावा बहुत सारे फेक लोग हैं जो मेरे नाम से चैनल बना के बैठे हैं हमारे रिजल्ट को देखते हुए, तो उनसे बचिए, थोड़ा फ्रॉड है, वो लोग आपसे ठगी कर सकते हैं मेरे नाम में। चलिए आ जाते हैं मैच पे। सबसे पहले पिच की बात कर लेते हैं, ग्राउंड की बात कर लेते हैं। मोहाली में ये मैच है, मोहाली मतलब पंजाब। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पिछले एक हफ्ते में बहुत बारिश हुई है, ऊपर से मोहाली का पिच हमेशा से थोड़ा सा पेस फ्रेंडली रहता था क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा था, कूल काम, और शाम के टाइम तो ब्रीज जो चलती थी वो थोड़ा बॉल लहराने में मदद करती थी। हमने दुष्मांता चमीरा को देखा था जब इंडिया श्रीलंका की सीरीज हुई थी, भुवनेश्वर कुमार को हमने देखा था, दीपक चहर को हमने देखा था, है ना, तो मदद है वहां। पेस और स्पिन का अगर हम कंपैरिजन करें तो थोड़ा ये पेसर्स के लिए है, तो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ भारत की स्ट्रेंथ को देखते हुए मैच क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, ये पक्की बात है, और अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। पेसर फ्रेंडली होने के साथ जो एक और बात थी वो ये थी कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच भी होते हैं, पेस ठीक है लेकिन हाई स्कोरिंग मैच भी होंगे। और आपको इंटरेस्टिंगली मतलब मैं बताना चाहूं तो मतलब ये समझिए कि यहाँ इस ग्राउंड पे जो आज तक का इंटरनेशनल T20 में लोएस्ट स्कोर है वो है 149, समझ रहे हैं आप, 149 अगर लोएस्ट है, और हाईएस्ट कितना, हाईएस्ट है यहाँ पे 207, तो मैच कहीं 150 के पार जाकर 200 तक थमता है। उम्मीद ये कि ये मैच 180 के आसपास का होगा, ऑन एन एवरेज 12 विकेट गिरते हैं, वही गिरने की संभावना है यहाँ पे, उतने ही विकेट्स गिर सकते हैं इस मैच में, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा पिच के नेचर में, बारिश की वजह से पेसर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है पिछले कुछ दिनों का जो मौसम बदला है नॉर्थ इंडिया में उसकी वजह से। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 पे। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो देखिए पहले डिस्कस करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11। डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क दो बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया है जो कि इस सीरीज में नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में दूसरे ओपनर कौन होंगे आरोन फिंच के साथ देखें, तो जो प्लेइंग 11 बन रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आरोन फिंच के साथ ओपन करेंगे मैथ्यू वेड। 3 नंबर स्टीव स्मिथ खेलेंगे, 4 नंबर जो जाएगा वो ग्लेन मैक्सवेल को जाएगा, 5 नंबर जो जाएगा वो जाएगा टिम डेविड को, जिनको पहली बार ऑस्ट्रेलिया में की टीम में शामिल किया गया है, भेजा गया है टूर पे, और वर्ल्ड कप टीम में भी शामिल किया गया है, तो 5 नंबर मैथ्यू वेड खेले, टिम डेविड खेलेंगे, 6 नंबर कैमरन ग्रीन। देखिए ऑस्ट्रेलिया को एक पेस ऑलराउंडर की जरूरत है, ठीक है, उन्होंने मिचेल मार्श में ढूंढा, ऑलराउंडर मिला लेकिन इंजरी बहुत रहती है उनको, मार्कस स्टोइनिस में ढूंढा लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने कैलिवर के हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर पाए अपना प्लेस, अभी कैमरन ग्रीन बहुत प्रॉमिस दिख रहा है, बल्ले से बॉल से लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं अगर अच्छे से ग्रूम किया जाएगा, तो 6 नंबर कैमरन ग्रीन, 7 नंबर एस्टन अगर जो कि दूसरे स्पिन ऑप्शन रहेंगे इनके एडम जंपा के साथ, 8 नंबर पैट कमिंस, बल्ले से रिवॉल्यूशन हुआ है जब से कैप्टनसी संभाली है, बल्ले से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 9 नंबर जोस हेजलवुड, 10 नंबर केन रिचर्डसन, और फिर जंपा, ये प्लेइंग 11 रहने वाला ऑस्ट्रेलिया का, रिचर्डसन,
आपका कमिंस और हेजलवुड तीन मेन प्रीमियर पेस बॉलर रहेंगे। कैमरन गिल इक्वली गुड है, चार ओवर पूरे भी डाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो कैमरन ग्रीन इनका फोर्थ पेस बॉलर की भूमिका में रहेंगे, दो से तीन ओवर पक्का डालेंगे। उनके अलावा एस्टन अगर और एडम जंपा दो स्पिन ऑप्शन रहेंगे। तीसरे ऑप्शन इनके पास है ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में क्योंकि लेफ्ट हैंडर तो समझिए कोई है ही नहीं, ऐसा हो सकता है कि अक्षर पटेल के अलावा जो भारत लाइनअप बनेगा उसमें कोई प्लेइंग इलेवन में कोई लेफ्ट हैंडर रहे ही ना। तो ऐसे में फिर ग्लेन मैक्सवेल के ओवर्स कटने की संभावना है, कम गेंदबाजी मिलेगी ग्लेन मैक्सवेल को, ऐसी ऐसे चांसेस हैं। ठीक है, आ जाते हैं दूसरी तरफ भारत के प्लेइंग इलेवन की तरफ। तो भारत का प्लेइंग इलेवन क्या हो सकता है, तो देखें केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा ओपन करेंगे ये पक्का है। तीन नंबर विराट कोहली खेलेंगे, मैं भी कप्तान बोलने वाला था, मेरे दिमाग में भी फिट है कि कप्तान कोहली क्या है। तीन नंबर कोहली, चार नंबर पे खेलेंगे सूर्या यादव, ये सर्टेन है। पांच नंबर हार्दिक पांड्या को जाएगा, छह नंबर दिनेश कार्तिक, मुझे ऐसा लग रहा है कि पंत से पहले दिनेश कार्तिक को मौका दिया जाएगा। सात नंबर अक्षर पटेल, आठ नंबर हर्षल पटेल की वापसी होगी इस मैच के साथ, नौ नंबर भुवनेश्वर कुमार, फिर बुमराह और चहल। तो इस टीम में भी बुमराह हर्षल और आपका बुमराह हर्षल और भुवी तीन पेसर हो गए, तो वहीं पे दो स्पिन ऑप्शन चहल और आपका अक्षर के रूप में। छठे बॉलिंग के ऑप्शन के रूप में हार्दिक पांड्या रहेंगे। शायद ये भारत की सबसे बैलेंस स्क्वाड बनेगा, अगर बनाने की कोशिश करोगे आप तो इससे ज्यादा बैलेंस टीम आप जो ऑप्शंस अवेलेबल उनमें से नहीं बना सकते। तो ये प्लेइंग इलेवन भारत का रहने की संभावना है इस मैच में। ठीक है, दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन आपने समझ लिया है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि डेथ ओवर में हर्षल पटेल, बुमराह और वो भी तीनों मिलकर छह ओवर डालेंगे, पावर प्ले में ये तीनों डालेंगे, मिडिल ओवर में चहल आ जाएंगे, अक्षर आ जाएंगे, पता ही है अब इंडियन प्लेयर्स के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको नॉलेज है। अब फैंटेसी टीम दिखा देता हूं आपको, फैंटेसी टीम क्या होने जा रही है। लेकिन फैंटेसी टीम दिखाऊं मैं आपको, उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपको फैंटेसी खेलनी कहाँ है। तो दोस्तों आपको फैंटेसी खेलनी है विजन इलेवन ऐप पर, जो कि बहुत ही बढ़िया ऐप है, ड्रीम इलेवन के बाद बेस्ट ऐप है आज की डेट में। ठीक है, तो वहीं खेलिएगा। और क्यों खेलिएगा, क्योंकि ₹1 से लेके ₹10,000 तक का जितने कॉन्टेस्ट एंट्री प्राइस में आपको जितने मेंबर का कॉन्टेस्ट चाहिए वो यहाँ अवेलेबल है। आप बोनस का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो किसी अदर ऐप के कंपैरिजन में। उसके साथ क्या है, उसके साथ ये है कि फ्री गिव अवे आपको मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करने में मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत ही एडेड एडवांटेज है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सारे फायदे मल्टी स्पोर्ट ऐप आगे प्रो कबड्डी शुरू हो रहा है 7 अक्टूबर से, तो फिर वहां प्रो कबड्डी के मैचेस भी हम लेकर आएंगे विजन इलेवन पर ही। तो आपको जुड़े रहना है चैनल से भी और विजन इलेवन से भी। डाउनलोड आप डिस्क्रिप्शन से, कमेंट बॉक्स से, टेलीग्राम से, कहीं से भी कर सकते हैं, लिंक सब जगह दिया हुआ है। गूगल से करें तो मेरा रेफरल कोड एमएस राघव लगाना ना भूलें। ठीक है, आ जाते हैं जब फैंटेसी टीम पे, जिसका आप सबको इंतजार है क्या फैंटेसी टीम रहने वाली है। तो देखिए विकेट कीपिंग में आपके पास चॉइस क्या है, आपके पास है दिनेश कार्तिक, आपके पास है मैथ्यू वेड। दिनेश कार्तिक एट सिक्स, मैथ्यू वेड है ओपनिंग, तो फिर जिसका गेम कवर ज्यादा उस प्लेयर को ही लेके जाएंगे। और थोड़ी सी पेस फ्रेंडली पिचेस रहेगी ये मोहाली की, थोड़ा सा पेस की तरफ रहेगा तो शायद ऑस्ट्रेलियन बैटर्स उतना स्ट्रगल ना करें। तो इसलिए मैथ्यू वेड को मैं एज ए विकेट कीपर चूज करके जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, विकेट कीपर मेरा फाइनल हो गए मैथ्यू वेड। बैट्समैन चार, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या यादव। सूर्या बहुत अच्छे फॉर्म में है, विराट कोहली बहुत अच्छे फॉर्म में एशिया कप में दिखाया है उन्होंने पहला अपना T20 100 और 75th first 100 जिसकी हमें बहुत इंतजार था वो आया। और रोहित शर्मा, पिछली बार जब मोहाली में मैच हुआ था तो दुश्मंता चमीरा ने उनको सस्ते में निकाल दिया था, लेकिन उससे पहले जो हुआ था उसमें अच्छा खासा स्कोर बनाया था। तो रोहित शर्मा एक और बढ़िया पिक, मैं दोनों इंडियन ओपनर्स के साथ को ड्रॉप करके नहीं जाना चाहता, तो रोहित एक और मेरी पिक हो जाएंगे। और उनके साथ स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से, तो चार बैटिंग ऑप्शन में टोटल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि फिंच को मिस कर रहे हैं हम, तो इसलिए स्टीव स्मिथ फिर यहाँ वैसे भी क्रूशियल हो जाएंगे कि टॉप थ्री से एक और ऑप्शन। ऑलराउंडर आप देखें तीन लेके जा रहा हूं मैं, जिसमें है आपके ग्लेन मैक्सवेल, चार नंबर बैटिंग करेंगे इसलिए क्रूशियल है, एक आध ओवर डाल सकते हैं। हार्दिक पांड्या पांच नंबर बैटिंग, छठे बॉलिंग ऑप्शन, मतलब दो तीन ओवर इनसे भी आएंगे, विकेट जरूर आएंगे अगर ओवर्स आएंगे तो, और उसके अलावा पांच नंबर पर बैटिंग आएगी तो क्या ही कहने, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आएगी तो फिर परफेक्ट चॉइस कैप्टनसी के बन ही जाते हैं। तीसरा ऑप्शन कैमरन ग्रीन, और वही मेरे वाइस कैप्टन भी रहेंगे। आप कहेंगे अरे कैमरन ग्रीन भाई साहब बहुत पोटेंशियल है इस प्लेयर में, हार्दिक पांड्या जैसा स्किल लेके आता है बिल्कुल, छह नंबर बैटिंग आती है और दो तीन ओवर आते हैं, तो वाइस कैप्टनसी के लिए परफेक्ट चॉइस T20 में कैमरन ग्रीन रहेंगे। किसी की टीम में भी शायद आपको ना मिले, हम वाइस कैप्टन बना के जा रहे हैं, ये हमारा
विनिंग मंत्र है इस मैच के लिए, तो कैमरन ग्रीन मेरे रहेंगे तीसरे ऑलराउंडर। तीन ऑलराउंडर, चार बैटर और एक विकेट कीपर के साथ आपके टोटल आठ प्लेयर पिक हो गए। तीन बॉलिंग ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, कौन है, बुमराह है, हर्षल है और है उनके साथ पैट कमिंस। देखिए चहल को भी लेना चाहते हैं आप, जेम्बा को भी लेना चाहते हैं, भूवी को भी लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप सिर्फ तीन चॉइस ले सकते हैं तो पैट कमिंस इसलिए कि बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अमूमन यहां इतने विकेट नहीं गिरते हैं, इसलिए फिर बॉलर्स थोड़ा कम अगर रखेंगे तो भी चलेगा। पैट कमिंस इसलिए कि बॉलिंग बैटिंग दोनों से मेकअप कर सकते हैं, एक स्किल वाले प्लेयर नहीं। हर्षल डेथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना, उनकी जो ड्रॉप बॉल होती वो काफी, और बुमराह का स्किल आप सबको पता है, तो मुझे लगा कि हर्षल और बुमराह की जोड़ी भूवी से बेटर रहेगी, इसलिए मैं इनको लेकर यहां पे गया। ठीक है, तो ये आपकी होगी फैंटेसी टीम इस मैच की। बाकी आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, फिर बोल रहा हूं, ताकि अपडेटेड टीम आपको मिल सके, प्रॉफिट टिप्स आपको मिल सके, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि एनालिसिस आपको मिल सके, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले एनालिसिस आप देख सको। ठीक है, तो हमारी और आपकी मुलाकात यूं ही होती रहेगी, इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान T20 जो होने जा रहा है पहला, उसका वीडियो भी मैं लेकर आ रहा हूं चैनल पे, तो वो भी देखेगा। ठीक है, मुलाकात का सिलसिला और प्यार बनाए रखिएगा, मिलते रहेंगे हम, फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।